बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और सुलझी फैमिली का लड़का है, और तो और लड़का जो है वो इकलौता है, ना कोई बहन ना भाई, कोई झंझट ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हमारी सज्जल की ना लॉटरी निकल आई है, और तो और जो घर है ना उनका अपना जाती है, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है, कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिली हुई है, और तो और कंपनी ना उसे साल में एक दो बार मुल्क से बाहर भी भेजती है। भाई अगर यहाँ पर रिश्ता हो गया बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं तो जाके बहुत खुश हुई हूँ, मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। चलो भाई, हमारी सज्जल के लिए तुम्हें कोई लड़का तो पसंद आया। हामिद अली बस दुआ करे ना कि यहाँ बात पक्की हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये तो बताए ना कि लड़के वालों को कब बुलाऊं? मेरे ख्याल से अभी इराक की डिलीवरी में तो खासा वक्त है। मैं कौन सा निकाह करने की बात कर रही हूँ जो आपको इराक की फिक्र पड़ गई? अभी तो मैं कह रही हूँ कि लड़के वालों को घर बुलाना है। तो फिर तुम किसी भी दिन शाम में बुला लो, और हाँ लड़के को जरूर साथ बुलाना ताकि सज्जल उसे देख ले, मिल ले। भाई जिंदगी तो हमारी बेटी ने गुजारनी है ना। हामिद अली मैं ऐसा करती हूँ कि सज्जल को भी बुला लूंगी, वो भी देख ले। वैसे एक बात है, जैसा वो चाहती थी ना लड़का बिल्कुल वैसा ही है, उसे भला क्या इतराज होना है। और देखो मैं अपने तौर पे भी जरा मालूमात कर लूंगा, छानबीन करूंगा, मुनासिब है ना। हाँ हाँ हामिद अली क्यों नहीं, बिल्कुल कराएं। अरे भाई ऐसे थोड़ी जाने देंगे, पूरी जिंदगी का मामला है। वैसे ना उन लोगों ने अपनी तरफ से तो बहुत तसल्ली करा दी है, लेकिन भाई हम भी तो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे ना, आप भी पता कराइएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि कल फोन कर लेती हूँ सज्जल को। हाँ अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह या अल्लाह। सज्जल, सज्जल मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। एक बार देखो तो। मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी, बहुत बेवकूफ बना लिया अब और नहीं। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो? कि आप एक धोखेबाज इंसान, उन मर्दों की तरह जिनके अपनी बीवियों के सामने चुपकी लग जाती है और पीठ पीछे शेर पत्ते। तुम हद से बढ़ रही, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। लगा ना बुरा? सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा जब आपने मेरा ही सेट मेरी आंखों के सामने इरा को दे दिया। एक नेकलेस ही है और ला दूंगा। वो एक नेकलेस नहीं है, वो मेरा नेकलेस, उस पे सिर्फ मेरा हक है। मजबूरी थी मेरी, हमारे अब्बू को देखकर कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मुझे ड्रामा करना पड़ा। अगर ना करता वो तो मैं वापस ले जाते, उन्हें पे शक हो सकता। तो होने देते ना, एक ना एक दिन तो पता चलना ही है, तो आज ही सही। Come on, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा नेकलेस इरा के पास हो। ये मैं नहीं कर सकता, मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता, तुम जानती। तो तोड़ देना अपने सारे असूल, दिखाएं कितनी मोहब्बत करते हैं, साबित करें ना, मैं भी तो देखूं। मुझे वो नेकलेस वापस चाहिए, एंड आई रियली मीन इट।